तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के दिगंत हिंदी का चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और ये चैप्टर जो है ना, थोड़ा हिस्टोरिकल है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम देखिए, संपूर्ण क्रांति। आप लोग को याद होगा, इसकी शुरुआत हुई थी 5 जून 1974 ईस्वी को, ठीक है, पटना के गांधी मैदान में जो है जयप्रकाश नारायण स्पीच दिए थे भाषण, और उसी वक्त ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। और उस वक्त एक और नारा फेमस हुआ था, आप लोग को याद भी होगा, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। ये उसी, मतलब जब संपूर्ण क्रांति हुई थी, ये कहाँ हुई थी, अभी के बिहार और यूपी में हुई थी। और जयप्रकाश नारायण जो है, इंदिरा गांधी की जो शासन थी उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहते थे, क्योंकि जब भारत को आज़ादी मिली थी, आज़ादी के बाद मतलब भारत का जो स्थिति था वो बहुत ज़्यादा दयनीय था। वहाँ पे मतलब भारत में ज़्यादातर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी फैली हुई थी, छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक, तो ये बहुत सारे रीज़न थे, घुसखोरी ज़्यादा चलता था। अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण क्रांति क्यों हुआ, ये इसका रीज़न समझिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि आखिर संपूर्ण क्रांति क्यों हुआ। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति होने का बहुत सारा रीज़न है। पहला तो जयप्रकाश नारायण ये खुद चाहते थे कि समाज को नई दिशा में मोड़ दे, मतलब ये जो इलेक्शन चुनाव वगैरह होता है, 5 साल पर मुखिया जो खड़े होते हैं, नमस्कार काका जी, प्रणाम चाचा जी, वोट हमको ही दीजिएगा, पैर छू रहे हैं, ये जो है 5 साल के बाद मुखिया दिखाई देता है। और जैसे ही इलेक्शन जीत जाता है, उसके बाद मुखिया कहाँ गया, क्या कर रहा है, कुछ नहीं मालूम चलता है। सिर्फ इलेक्शन के समय ही मुखिया दिखाई देते हैं, मतलब प्रतिनिधि दिखाई देते हैं लोग जो जो इलेक्शन में उठते हैं, ठीक है। और उसके बाद से मतलब रातों रात वोट बैंक भी बदल जाता है, बहुत सारे घपले और घोटाले होते हैं। ये चाहते थे कि एक छोटे से गांव देहात का भी इंसान, जो कि दुबला पतला है, वो गरीब है, वो भी चुनाव में खड़ा हो, वो भी प्रतिनिधि बने और वो भी इलेक्शन में जीते। मतलब इनका ये मानना था, अगर वो योग्य है चुनाव लड़ने के लिए तो वो भी लड़े, क्योंकि चुनाव में जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं प्रतिनिधि, मतलब उन्हीं का बोलबाला चलता है और वही जीत जाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, घूस देकर। आप बोल सकते हैं घूस भी दिया जाता है, 500,000 रुपया, आप लोग जानते भी हो, आप लोग के आसपास, आप लोग के ग्राम पंचायत में ज़रूर होता होगा चुनाव, तो आप लोग देखे भी होंगे, 500,000 रुपया दे दिया जाता है कि वोट हमको ही दीजिएगा, हाँ हाँ नाला बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस चुनाव के समय। और चुनाव जीत जाने के बाद कहाँ गए वो नहीं मालूम चलता है, ठीक। तो ये जो सारा सिस्टम है, जयप्रकाश नारायण इस सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहते थे। और संपूर्ण क्रांति का एक और रीज़न था छात्र आंदोलन, मतलब बिहार और यूपी की शिक्षा उतनी सुव्यवस्थित नहीं थी, मतलब व्यवस्था उतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए छात्र आंदोलन किए थे। और जब छात्र आंदोलन शांति में वो आंदोलन कर रहे थे, तब भी छात्रों को पीटा गया, तो एक ये भी क्या थी, रीज़न थी संपूर्ण क्रांति का। और भी ढेर सारे, ये जयप्रकाश नारायण है, समाज के भेदभाव को ख़त्म कर देना चाहते थे, जो जात पात को लेकर लड़ाई होती थी ये भी ख़त्म कर देना चाहते थे। और उसके साथ साथ मतलब तिलक दहेज वगैरह, इसको भी ये चाहते थे कि लोग छोड़ दें, ठीक है। तो ये सारी रीज़न थे। और 5 जून 1974 को जो है ना, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का मतलब नारा दे दिए। देखिए, ये नहीं चाहते थे कि मतलब संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करे, लेकिन बहुत सारे जितने भी छात्र थे, छात्र और युवा जितने भी लोग थे, और जितने भी आप बोल सकते हैं बूढ़े बच्चे, युवा लोग, छात्र, सभी गए थे जयप्रकाश नारायण के पास, और वही लोग बोले कि आप संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कीजिए। इनका कहना था कि भारत देश की प्रगति के लिए नई पीढ़ी की ज़रूरत है, हम लोग तो पुरानी पीढ़ी के हैं, हम लोग सिर्फ सलाह मशवरे दे सकते हैं, ठीक है, अभी जो है ना नई पीढ़ी जो है ना भारत की प्रगति के लिए आगे बढ़े और वो भारत के लिए काम करे, ठीक। लेकिन जितने भी लोग थे वो बोले कि नहीं नहीं, जयप्रकाश नारायण जी आप ही क्या कीजिए, संपूर्ण क्रांति का क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए, अध्यक्षता कीजिए। तो बोले ठीक है, मैं अध्यक्षता मतलब नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक बात माननी होगी, सबसे मैं सलाह लूँगा, छोटे बड़े बूढ़े सभी लोगों से, छात्रों से भी सबसे सलाह लूँगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा कि क्या होना चाहिए, कोई मुझे बताएगा नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, अंतिम फैसला मेरा होगा, ठीक। तो सभी लोग राज़ी हो गए। उसके बाद से जयप्रकाश नारायण तभी जो है ना ये संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे, ठीक। 5 जून 1974 को जब ये गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में स्पीच यानी कि भाषण दिए थे ना, इतने लोग इकट्ठे हुए थे, लाखों लोग,
जो है ना उस गांधी मैदान में आकर मतलब इकट्ठे हो गए थे, मतलब जयप्रकाश नारायण की स्पीच सुनने के लिए सभी लोग, मजदूर, किसान, छात्र, युवा, जितने भी बूढ़े बच्चे सभी लोग आ गए थे। मतलब उतना ज़्यादा भीड़ तो आज तक ना गांधी मैदान में इकट्ठा हुई है और ना पहले कभी हुई थी। ठीक, और बहुत ही दमदार मतलब जोश भर देने वाली भाषण दिए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक, वो जो स्पीच है सभी को याद रहता है, और वही जयप्रकाश नारायण जो स्पीच दिए रहते हैं गांधी मैदान में, उसी स्पीच का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा भाग आप लोगों को इस चैप्टर में दे दिया है और उसी को पढ़ना है। ठीक, तो ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, भले ही दो पार्ट में वीडियो बने। देखिए चैप्टर नंबर 3 है ना, तो इसको मैं दो पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी। ठीक, पहले तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों को जयप्रकाश नारायण के बारे में सभी जितना भी डिटेल्स आप लोगों के बुक में दिया है वो सब कुछ बता दूंगी। जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे, तो उस भाषण में क्या क्या बोले, किस तरह लोगों के दिलों में उत्साह जगाए, ठीक, हौसला अफजाई किए, और किस तरह मतलब मोटिवेशन क्रिएट किए, तो ये सारा चीज़ जो है ना आप लोगों को चैप्टर मतलब इस चैप्टर 3 के पार्ट 2 के वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी, चैप्टर पढ़ा दूंगी। ठीक, अभी मैं आप लोगों को जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगी, ये कहाँ पैदा हुए, कौन कहाँ कहाँ जाकर शिक्षा हासिल किए, राजनीतिक जीवन इनका कैसा था, उसके बाद से ये क्या क्या लिखे, ये सारी चीज़ें। ठीक, आप लोग के जो बुक में चैप्टर नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक कौन है, राइटर वो जयप्रकाश नारायण ही है, और ये चैप्टर क्या है, एक ये चैप्टर एक भाषण है यानी कि स्पीच है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है वो सब कुछ, फिर पार्ट 2 में मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ा दूंगी। ठीक, तो देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, याद रखिएगा, यूपी के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला सिताब दियारा गांव में इनकी पैदाइश हुई थी। ये गर्व होता है कि इतने बड़े जो है ना लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है, लोकनायक, ये कि क्योंकि ये हमेशा समाज सेवा करते थे, ये एक समाज सेवक थे, लोगों की भलाई करते थे, इसीलिए इनको लोकनायक कहा गया, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक मतलब लोगों का नायक, जो हमेशा लोगों की भलाई करे, लोगों की बातों को सुने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और इन्हीं की पैदाइश जो है ना यूपी के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला एक गांव है सिताब दियारा, सिताब दियारा में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक, और इनका निधन हो गया था, मौत 8 अक्टूबर 1979, और बचपन में इन्हें बाउल कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था, तो बचपन में बाउल कहा जाता था, बड़े होने पर इनको जेपी कहा जाने लगा, जैसे जयप्रकाश, जे से जय और पी से प्रकाश, जयप्रकाश। ठीक है, तो बड़े होने पर इनको जेपी कहा जाने लगा, और जब ये समाज सेवा शुरू कर दिए, लोगों की भलाई करना, लोगों के बारे में सोचना, ठीक, लोगों को जज्बातों को समझना, ठीक, तब लोग जो है ना इनको लोकनायक कहने लगे, और लोकनायक के रूप में ये प्रसिद्ध हो गए, लोकनायक मतलब लोगों का नायक। ठीक, अब आगे बढ़िए, माता पिता का नाम था, माता यानी कि इनकी माँ का नाम था फूल रानी, और इनके पिताजी का नाम था हरसू दयाल। ये हर एक चीज़ जो मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी मैं लिख दी हूँ एक चीज़ भी आप लोगों को भूलना नहीं है, हर एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, हर मतलब जो भी लिख दी हूँ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब इनकी पत्नी के देखिए, पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, और प्रभावती देवी जो है इनकी पत्नी वो बजकिशोर प्रसाद की बेटी रहती हैं, ये याद रखिएगा, हो सकता है कि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। ठीक, और इनकी शिक्षा की बात कर लें जयप्रकाश नारायण की, तो आरंभिक शिक्षा ये घर पर ही, मतलब जो भी आरंभिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा जो होती है ये घर पर ही हासिल किए थे, घर पर ही पढ़ाई किए, और उसके बाद से आगे की पढ़ाई स्कूल में जाकर किए थे, और बिहार विद्यापीठ से ये ISC किए, बिहार विद्यापीठ से ये ISC किए, और असहयोग आंदोलन के दौरान इनका जो है ना पढ़ाई, शिक्षा अधूरी छोड़े, मतलब असहयोग जब आंदोलन गांधी जी किए थे पहली बार, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, आप लोगों को याद भी होगा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और उस वक्त गांधी जी बोले थे कि अंग्रेज़ों का संपूर्ण बहिष्कार करो, ठीक है, उनका कोई भी सामान यूज़ मत करो, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ स्कूल में भी तुम लोग पढ़ाई मत करो, अंग्रेज़ों का संपूर्ण बहिष्कार करो। ठीक, तो उसी वक्त जो है ना गांधी जी के कहने पर जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन जब गांधी जी किए थे, तो गांधी जी के कहने पर वो अपनी पढ़ाई छोड़ दिए थे, अंग्रेज़ों का स्कूल छोड़ दिए थे, और उसके बाद से लेकिन अचानक जो है ना गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर दिए, क्योंकि वो चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, तो अचानक गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर दिए, तो फिर जयप्रकाश नारायण का आखिर मतलब क्या शिक्षा भी अधूरा छूट गया, लेकिन फिर भी ये 1922 में जो है ना शिक्षा प्राप्ति के लिए ये अमेरिका चले गए, फिर से पढ़ाई करने के लिए 1922 में ये अमेरिका चले गए, और कैलिफोर्निया बर्कले और विस्किंसन मेडिसन
कैलिफोर्निया, बर्कले और विस्किंसन मेडिसन आदि ये विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर जो है जयप्रकाश नारायण स्टडी किए थे, पढ़ाई किए थे। ठीक है, और माँ की अस्वस्थता के कारण, यानी कि इनकी माँ का तबीयत ठीक नहीं रहता था, ठीक, जिसके वजह से जयप्रकाश नारायण पीएचडी भी नहीं कर सके और फिर से वापस अपने देश भारत लौट आए। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनकी राजनीतिक जीवन की। तो 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। कब? 1929 में, याद रखिएगा। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल चले गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ही कराए थे। ठीक है, तो 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये भाग लिए थे, जिसमें ये जेल चले गए और जेल से बाहर निकलकर ये कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिए। ठीक है, जब जेल से बाहर निकले तो कांग्रेस के अंदर ही ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए, और उसके बाद से 1939 और 1943 में भी ये जेल गए थे, ये भी याद रखिएगा। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये याद रखिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी इन्होंने गठन किया था। और ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जयप्रकाश नारायण कौन सी पार्टी का गठन किए थे। ऑप्शन में अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रहेगा तो उसको भी आप लोग टिक कर दीजिएगा, अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रहेगा उसको आप लोग टिक कर देंगे, क्योंकि दोनों में से एक साथ तो कोई देगा नहीं, एक कोई दे सकता है। ठीक है, और 1954 में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, मतलब जयप्रकाश नारायण जो है ना 1954 में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे, उसमें भाग लिए थे, और 1974 में ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। मतलब 1974 में यही वाला बात है, संपूर्ण क्रांति 1974 में छात्र आंदोलन जब कर रहे थे तो उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, लेकिन छात्रों को पीटा गया, जिसकी वजह से जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का क्या कर दिए, नारा दे दिए कि अब संपूर्ण क्रांति करो। आपातकाल के दौरान जेल चले गए जयप्रकाश नारायण, और उसके बाद से आगे भी लिख दी हूँ मैं, जनता पार्टी का गठन जो है ना जयप्रकाश नारायण ने ही किया था, जनता पार्टी। ठीक है, और देखिए अब बात आती है ये क्या क्या लिखे, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएँ, डायरी और निबंध भी लिखे थे। ठीक, ये सारा चीज़ें लिखे थे। और 1965 में ये समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान से क्या किए गए, नवाजे गए। देखिए 1965 में समाज सेवा ये किए थे, तो समाज सेवा के लिए ये कौन सा सम्मान इनको मिला, मैग्सेस सम्मान, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। हर एक चीज़ में आप लोगों को बोल दी हूँ ना, बोर्ड पर कोई भी, मतलब जो कुछ भी लिखी हूँ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान से सम्मानित किए गए, और 1998 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, और 20वीं सदी, मैं आप लोग को सदी बता चुकी हूँ, सदी या फिर शताब्दी बात एक ही है। ठीक है, सदी किसे कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए 20वीं सदी में भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक और समर्पित कार्यकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी ये थे। मतलब बहुत ही ये समाज सेवा किए थे, प्रमुख समाजवादी विचारक थे, लोगों के विचारों को समझा करते थे, और समर्पित कार्यकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता ये सेनानी थे। तो ये हो गया जयप्रकाश नारायण के बारे में सब कुछ जो आप लोगों के बुक में दिया था। और 5 जून 1974 को ये पटना के गांधी मैदान में क्या भाषण दिए थे, क्या स्पीच, देखिए स्पीच को उर्दू में कहते हैं तकरीर, तो ये उस दिन क्या तकरीर दिए, क्या क्या बोले लोगों के अंदर उत्साह जगाने के लिए, वो हम लोग समझेंगे इस चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 के वीडियो में, यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक, तो अब आप लोग एकदम जमकर मेहनत करें, क्योंकि अब आप लोग का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर भी नहीं है, 4 महीने बचे हुए हैं, और इन 4 महीनों में इतना रगड़ कर, इतना जमकर मेहनत कर देना है ना कि आपकी मेहनत रंग लाए, आप लोगों का नाम टॉप लिस्ट में आ जाए, इतना मेहनत, एकदम खामोशी से मेहनत करना है। आप लोग वो शेर सुने हैं ना कि वो लोग जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वो लोग जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपने काम को कर जाते हैं। ठीक, और इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए ना कि आपकी कामयाबी चारों तरफ शोर मचा दे। ठीक, क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब उसको सफलता मिल जाती है ना तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। अभी आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को अकेले मेहनत करना होगा, जब आप अकेले मेहनत कर लेंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। तो भले ही इंसान संघर्ष में अकेला होता है, मेहनत करते समय वो अकेला मेहनत करता है, लेकिन जब उसको सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। और इसीलिए आप लोग मेहनत करें, एकदम दिल से जम कर मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक, और हम आपके साथ तो यही है, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और मैं
कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार कर कर दूँ और वर्ल्ड दर्जे का आप लोगों को उच्च स्तर की शिक्षा दूँ, ताकि आप लोगों का रिजल्ट दी बेस्ट आ सके और आप लोगों का नाम टॉप लिस्ट में आ सके। ठीक, आप लोग ये उम्मीद के साथ पढ़िए ना कि मुझे टॉप लाना है, और हर सब्जेक्ट की तैयारी एकदम दिल से पूरे मेहनत के साथ कीजिए ये सोच कर कि मुझे टॉप लाना है। सफलता तो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ठान दो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो एक दिन में आप चाहेंगे कि मुझे सफलता मिल जाए तो कभी नहीं, लेकिन अगर ठान देंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह आप लोग को करना है। ठीक, तो यहाँ तक जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए थे, और उसके बाद से कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक, और आप लोग वीडियो को चारों तरफ शेयर ज़रूर कर दें, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।